निश्चित रूप से ऐसा नहीं ठाकर के भी अवस्था बहुत चिंतन है। ये बात जब जाहिर है और तेजा प्रखर के बाप वही अवस्था में जीर्ण अवस्था में रहे, ये दम यहाँ के तेजा प्रखर के स्थानीय जनता के रात में नींद में रहे, चैन में रहे, लेकिन वही समय की मदेश के सरकार से हमकर लोन बिलोन बहुत विरोना कैली, लेकिन प्रदेश के सरकार एक वो मंत्री आके निरीक्षण करे वाला मरहला बने मुख्यमंत्री। हम अपने सबके बीच में प्रति हिसाब किताब में थी, लेकिन अपने के नेता अपने के बेटा बन के अपने सबके गोदी में बैठ के यह तेरा पकड़ के कान पर 12 बजे रात बैठ के भी और कान के काम करेगी बिना बजट के करोड़ों रुपया के काम करेगी, जो अपने के नेता ना अपने के बेटा संघर्ष करके हड्डी से पेमेंट दे रहा था। सो अपने सबके चर्चा ही रहा है यही नहीं कि प्रदेश सरकार एकदम भ्रष्टाचार में डूबा है। गत वर्ष के बाद पहले में रोहतक जिला में मुख्यमंत्री के कोटा से 7000 पैकेट आया करोड़ के 2355 रुपए समथिंग है, लेकिन खुद कहा कि भ्रष्टाचार में भी सीमा हो गए। दोनों अपने सबके पता है कि चाहे दोनों घर में गांव घर में आगलगी हो जाए तो हम ध्यान दर्शन मुखिया जी आगे दोनों अन्ना नदी में चाहे दोनों बात करे हो जाए, लेकिन भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री 7000 के नगर पालिका निश्चित रूप से आज क्षेत्र में मजदूर के लोग 64 साल के दम कांड के न्याय अपने सबके कह नहीं लो, यही पते का फोकस करना चाहिए। अपने सब हमने सबके गुरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई लोग घर जिला के माधा नेपाल रहे, अपने सब न्याय के थोड़ी में रही, हमने सब न्याय के थोड़ी में रही, लेकिन अफ्ताब आलम के आप माधा नेपाल के काठमांडू के सुल्ती होटल में 15 दिन का पैसा देते न्याय कहां से अपने को मिलेगा। अपने के अभी के बाद एकता के बहुत नजीक से हमने आगे थी, अभी अफ्ताब आलम जेल में है, लेकिन इन माधव नेपाल संसदीय कोष के बजट कल्याणी घर का राम कुमार भट्टराय के जेल में पठा के समझौता करके आई आधा आधी बजट बांट के आज 6 लाख मजदूर में प्रयास कर रहे हैं। अगर मैंने आप प्रेम कर सकता है तो पाका दुर्भाग्य कति हो सकते ये आज को माधव नेपाल विदेश में प्रति का प्रतिगमन हो पति का प्रतिगमन प्रतिगमन कहे के चीज कठिन है बुझना जरूरी है। अग्रगमन और प्रतिगमन ये आज दूसरी बात है कि एक कल्याणी घर का और यही राम कुमार भट्टराई के मार्फत माधव नेपाल से यह रामचंद्र गिरी यह नगर पालिका के मेयर शेख वकील अफ्ताब आलम के छोड़ावेला 6 करोड़ के माधव नेपाल के तुरंत मिल के लेकिन हमने के सम्माननीय प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली पर माधव नेपाल बहुत दबाव बहुत दबाव देगा, लेकिन हमने के सम्माननीय प्रधानमंत्री थोड़ा भी कट से मग्न भेला नहीं है। अपने नगर सुधार अगर माधव नेपाल के चले तब तारा दम चेयर में लगाए बाहर नहीं तब नहीं ऐसे प्रकार दुर्भाग्य का भी हो सके। आज हम पाई पैरों का जो खेल में थी कारण की है कारण के है रोहतक के माधव नेपाल अपने सब सुनने थी और 2007
साल में वो कहाँ तुम पार हाल है मैं सुन ले ची अब तुम अपने नहीं है तब पूछूं लेकिन आज हम भी पार से प्रभावित का है ची वो करें क्या कारण है सबसे पहुंच में देश के प्रधानमंत्री रहा व्यक्ति जब वो कहाँ पे मेरे पर जब तक बंद है बंदे हाथ से लेके बैठ गया बांग उधर हाइट भेल तो हमने के पति है इसलिए मैं भारत सरकार को बोले कि लेकिन इन माध्यम पर जाके बांग चौहान भारत के सरकार के नारी और बांग के हाइट भेल आए कारण आज हमें मारने पर चारा नहीं रहा है कहीं नहीं सुना आज कह रहा है उन माध्यम पर कि देश में प्रतिनिधि हो रहे हमें पशु किसान भाई से भी चीनी में से पेमेंट मिले अठमानी में आंदोलन हुए तो ये दिन कि माधव नेपाल ई प्रजन ई उपेंद्र यादव रोड में जाके ना पर हम यहाँ छू और ध्यान आंदोलन करने के किसान के लेकिन जब सम्मानीय प्रधानमंत्री ये सब के लात मार के भेद रखा लगाया तो अधिकार आ रहा देश में पति के मन हमारे से बात कर दूँगा बात कर दूँगा सब लाभ है ना कहीं नहीं सुन ये बात के अध्यक्ष हैं आये बात के प्रधानमंत्री चाहे यही के लोग प्रतिनिधि तू सत्ता रहा चाहे देश के अधीन है के बंदी बना रहा चाहे देश के सुशासन और समृद्धि से दैवभाव करना चाहे चाहे हम पहला चाहे ची यही के आदमी सम्मानीय प्रधानमंत्री जो संकल्प और भेद ले रहा है सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाने के लिए हम तमाम क्षेत्र में मंदिर के अगर ये मैं अपने जनसंख्या से अनुरोध करें कि ये अग्र सभी तमिलनाडु धाम से सहभागी होंगे आए वाले दिन में प्रभु शाह के नेतृत्व में रोहतक के चार निर्वाचन क्षेत्र के चार जीत के नाव और रोहतक के लाल किला बनाएं कि फिर अगर ये मानिए मंत्री प्रभु शाह फिर मंत्री परिहन तभी दो नंबर प्रदेश के लिए सुधार ले रहा हूँ लेकिन आपने सभी आशा रखो लोकतंत्र के सबसे दूर क्षेत्र तीन नंबर क्षेत्र जन आज प्रभु शासन मंदिर में तुझी जाके देखो विकास देखे क्या है तो नेपाल के चिया गांव में कहीं भी चोर-चोर आए हो रहे कि विकास देखे क्या है तब प्रभु शासन के क्षेत्र में जाओ विकास खाली सड़क के विकास है वहां पर हर एक क्षेत्र में हमी के धर्म संस्कृति जो लोप हो गए है ओकरा भी हमी के मंत्री जी वहां तक दिमाग लगा के और धर्म संस्कृति के भी जागरण कर रहा है सड़क के स्वास्थ्य के शिक्षा के मामला में या शहरी तरण करने के मामला में या मॉडल नमूना बनाने के मामला में अभी क्षेत्र नंबर तीन नमूना है अपने सब विश्वास रहो और हम माननीय मंत्री जी से हम अनुरोध करें कि जे लेखा अपने तीन नंबर क्षेत्र के बना दे और बढ़िया से ध्यान देके क्षेत्र नंबर दो के भी अपने क्षेत्र नंबर दो के भी तीन नंबर लेखा बना दो हम हाथी का अनुरोध करें जी माननीय मंत्री जी से और हम ये कहें कि अब समय जंगली राज का अंत हो गया है दोनों किसी के डर भय त्रास में रह के हैं आपने सबके मालूम होगा ये वो हमें संकल्प ले रहे वो दो नंबर क्षेत्र स्तरीय परिवर्तन विकास निर्वाह समाज सुशासन और पारदर्शिता हमारे अभियान आज देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़ा भेंट लेने वही में हम सभी सहभागी हो रहा थी और आज के आवश्यकता ही के पी ओली 10 वर्ष लाई एवं अभियान चल रहा है वो अभियान में सहभागी हो अपने सबके ये कहे अपन दो सब काम करे खास कर नमस्कार तरबे जाओ